नमस्कार। बुध ग्रह की शांति के लिए, बुद्धि और विद्या के लिए, अच्छे व्यापार के लिए, रुक रुक कर बोलने वाले व्यक्तियों के लिए, गणेश जी की कृपा प्राप्ति के लिए, या फिर कहें सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले हर स्त्री पुरुष को बुधवार का व्रत करना चाहिए। बुध ग्रह को चंद्रमा और बृहस्पति दोनों अपना पुत्र मानते हैं, इसलिए माना जाता है कि भगवान बुध में चंद्रमा और बृहस्पति दोनों के गुण विद्यमान हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी कुछ लोग इस दिन करते हैं। हालांकि बुधवार के व्रत की कथा पूरी तरह से भगवान बुध पर आधारित है। अब बात करते हैं कि बुधवार का व्रत कब और कैसे करें। बुधवार के व्रत का आरंभ शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से करना चाहिए। बुधवार के 21 या 45 व्रत किए जाते हैं। बुध का रंग हरा होता है, तो इस दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करें। हरा आसन बिछा सकते हैं। नवग्रह की मूर्तियां घर पर नहीं रखते हैं, पर आप उनके यंत्र घर पर रख सकते हैं, तो बुध ग्रह का यंत्र पूजा घर में रखें। अगर ये न मिले तो भगवान शिव शंकर की प्रतिमा के निकट भी पूजा की जा सकती है। पहले व्रत के दिन जितने व्रत आपने रखने हैं, बुध देव के आगे उसका संकल्प करें। मूंग दाल के लड्डू बुध ग्रह को अर्पित करें। सूर्य छिपने से पहले भोजन ग्रहण करें। इस व्रत में नमक का प्रयोग नहीं करते, तो आप मूंग दाल का हलवा या लड्डू बना के ले सकते हैं। मीठा भोजन केले आदि का प्रसाद ग्रहण करें। गाय को चारा डालें। इस दिन गणेश जी के दर्शन जरूर करें। गणेश चालीसा पढ़ना और भी अच्छा होगा। इस दिन आप पन्ना, स्वर्ण, कांसे का पात्र, मूंग की दाल, खांड, घी, हरा वस्त्र, सर्व पुष्प, कपूर, शास्त्र व फल दान में दे सकते हैं। बुधवार के व्रत की कथा, मंत्र और आरती के लिए आप मेरे इसके कथा और आरती के वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।